देयर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल डेवेलपमेंट एज लैंगेज एंड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देखिए हम जब ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो जहाँ पे कल्चरल पैरामीटर्स जो है हमारे पास उनमें एक कल्चरल पैरामीटर जो है वो लैंग्वेज का है और दूसरा पैरामीटर जो है वो हमारी बिलोंगिंगनेस है सेंस ऑफ बिलेंग कि हमारी वो जो सेंस है वो एक रोल प्ले करती है जब हम ग्लोबल कंटेस्ट में बात करते हैं देखें हमने दो बातें डिक्लेयर की हमने कहा कि आज का जो सिटीज़न है वो दो रोल प्ले कर रहा है एक तो वो एक्स कंट्री का सिटीज़न है तो वो वहाँ पे उसके रूल्स को फॉलो करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करेगा उसके अकॉर्डिंगली चलेगा दूसरे नंबर पे वो ग्लोबल कम्युनिटी का भी मेंबर है और जब हम ग्लोबल कम्युनिटी की बात करेंगे उसके मेंबर्स की बात करेंगे तो जो ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको उसने फॉलो करना है उसने उसको भी एड्रेस करना है अब अगर आम सी बात करें हम एक लोकल लेवल के ऊपर गुफ्तु करना चाहें तो हमारे पास दो तीन ग्रुप्स बनते हैं और अगर हम तीन ग्रुप बना दें अलीट क्लास रिचर्स अगर हम बीस पच्चीस परसेंट वो डाल दें फिर पुअर बहुत ही गरीब लोग फिर मिडिल क्लास इसको हम एक कंट्री के अंदर भी कंपेयर कर सकते हैं कि एक एक्स एक कंट्री है उसमें अलीट क्लास है उसके बाद मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है अब इसको ग्लोबल प्रस्पेक्टिव में देखें ग्लोबल प्रस्पेक्ट में डेवलप्ड कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है और अंडर डेवलप्ड कंट्री है ये भी हमारा एक पैरामीटर्स बनता है यानी अगर एक स्टूडेंट एक बच्चा या मैं अपने आप की मिसाल दूं तो मैं जहां एक कम्युनिटी का मेंबर हूं और वो पाकिस्तान की कम्युनिटी का मेंबर हो तो यहां पे भी मेरे तीन लेवल्स बनते हैं रिचेस्ट का लेवल है एलिट क्लास है फिर मिडिल क्लास है और फिर सोसाइटी के अंदर कंपेयर किया जाए तो वो गरीब लोग हैं अगर मैं दुनिया के हिसाब से कंपेयर करूं तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं मैं डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल हूं और अंडर डिवल्प कंट्री भी मौजूद हैं आप देखें कि ये ये जो हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है हमारी उस कंट्री के हवाले से उस ग्रुप के हवाले से उस लेवल के हवाले से अब इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक तो मेरी बिलोंगिंगनेस है मेरी अपनी लेवल के हिसाब से मुल्क के लिहाज से या इंटरनेशनल लेवल पैरामीटर्स के लिहाज से और दूसरा मेरा है अपनी क्लास के लिहाज से यानी मैं अगर लीड क्लास में हूँ मिडिल क्लास में हूँ लोअर मिडिल क्लास में हूँ यहाँ पे, अब इन चीज़ों को देखने के लिए जो मेरा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है हमारे पास जेंडर इक्वलिटी अब आप, आप देखें जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं किसी भी हवाले से वो डिस्क्रिमिनेशन हो वो चाहे जेंडर के हवाले से हो डिस्क्रिमिनेशन हो वो मेरा रिच और पुअर अमीर गरीब के हवाले से मेरी इनिक्वालिटी हो किसी भी हवाले से हो इवन स्टडी के हवाले से हो सकती है नॉलेज के हवाले से हो सकती है अब हमेशा याद रखें कि ये जो इक्वलिटीज़ हैं ये बुनियादी तौर पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके अपोजिट है कुछ चीज़ें जो हैं वो बाय डिफॉल्ट हैं अब देखें, मैं अगर मेल हूँ तो इसमें मेरा तो कोई उसमें रोल नहीं है ना मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेल हूँ इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ तो उसमें मेरा अपना क्या रोल है मेरा तो उसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि मेरे क्रिएटर ने अल्लाह ने मुझे पैदा करते वक्त मुझसे कोई मुशावरत नहीं की थी कि मुझे मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए उसमें मेरा कोई रोल नहीं है जब मेरा रोल नहीं है तो मैं कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता हूँ जब मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं जेंडर इक्वलिटी की तरफ आऊँगा और जेंडर इक्वलिटी की तरफ आऊँगा तो मेरी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बनेगी कि फिर ये मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊँगा कि जी ये मेल है ये फीमेल है इसमें फ़र्क जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करनी ख़त्म कर दूँगा फिर मैं सोचूंगा कि जी जाना हमारे पास ऑन द बेस ऑफ द जेंडर जो कि हमारा इस वक्त मेन फोकस है ऑन द बेस ऑफ द जेंडर मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि जितनी अपॉर्चुनिटीज पे मेरा राइट right है उतनी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर मेरी अपोजिट जेंडर का भी राइट है तो ये जो रोल है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट टू द इसी से शुरू होती है कि अगर हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है और उसके ऊपर हमारे काफ़ी डिस्कशन भी हो चुकी हुई है कि हमने ये जो डिस्क्रिमिनेशन का एस टी जीज़ है स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल्स है इसकी इब्तदा हमने इसी से करनी है और इसी से हम बच्चे को जो है ना हमने इस बात पे बावर कराना है कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बजाय जेंडर इक्वाली की तरफ उसे जाना चाहिए